फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएससी हीरोज। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्टोरी आईएससी स्टूडेंट्स के लिए, सेल्वाटोर इंपॉर्टेंट स्टोरी आई है। तो समरसेट मॉगम ने लिखी है, ये एक फिशरमैन के बारे में है, सेल्वाटोर जिसका नाम होता है। वो एक गर्ल के साथ ही फॉल्स इन लव विद हर, तो दोनों अफाइंस्ड हो जाते हैं, दोनों की सगाई हो जाती है, लेकिन वो शादी नहीं कर पाते क्योंकि सेल्वाटोर को वो जाना होता है अपनी नौकरी करने के लिए। वो राजा की नेवी में उसे जाना होता है, तो वो राजा की नेवी में जाता है, तब तक वो लोग की शादी नहीं हो पाती है। फिर वहाँ जाके वो काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि वो अपने लवर से नहीं मिल पाता है, बहुत उसे दूर रह के वो उदास हो जाता है, और अपने घर से भी दूर रह के वो उदास हो जाता है। और वहाँ पर उसे जब वो नौकरी कर रहा होता है, कई जगह पर भेजा जाता है, चाइना, स्पेजिया, वेनिस, तो कई अलग अलग जगहों पर उसे भेजा जाता है, और उसे इससे बहुत ही वो उदास हो जाता है, और उसे अपने घर की और अपने लवर की याद आने लगती है। फिर उसे अचानक कोई बीमारी हो जाती है, उसे पता चलता है कि ये एक प्रकार का जॉइंट पेन है, रूमेटिज्म हो जाता है उसे। तो वो आगे की सर्विस के लिए मना कर दिया जाता है कि आप इसके लिए नहीं कर सकते। तो वो खुश होता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता कि आगे वो कभी काम नहीं कर पाएगा। फिर वो जाता है अपने घर, तो जब वो घर जाता है तो वो शॉक हो जाता है ये जानकर कि वो गर्ल उसके संग शादी नहीं करने वाली, क्योंकि उसके पिता उसके घर वाले मना कर रहे हैं, और वो नहीं चाहती कि वो किसी के संग शादी करे जो आगे काम नहीं कर पाएगा कभी आगे जाके। तो वो बहुत निराश हो जाता है, वो जीने लगता है ज़िंदगी बहुत दुखी होकर। फिर उसकी माँ उसे समझाती है और उसे एक लड़की को सजेस्ट करती है उसे शादी करने के लिए। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन बाद में अपनी माँ के कहने पर वो शादी कर लेता है उस लड़की से, और फिर दोनों आसानी से रहते हैं, लेकिन आराम से रहते हैं दोनों प्यार के साथ। लेकिन सेल्वाटोर को अपने लवर की याद सताती है। तो ये स्टोरी है, क्वालिटी के बारे में इसमें बताया गया है और जज्बा बताया गया है कैसे जीने का सेल्वाटोर के कैरेक्टर के साथ। तो देखते हैं स्टोरी। आई वंडर इफ आई कैन डू इट। आई न्यू सेल्वाटोर फर्स्ट व्हेन ही वाज ए बॉय ऑफ 15 विद अ प्लीजेंट फेस, ए लाफिंग माउथ एंड केयर फ्री आइज। तो राइटर कह रहा है, आई वंडर इफ आई कैन डू इट। मैं ये सोचकर मुझे नहीं लगता कि मैं ये ऐसा कर पाऊंगा। आई न्यू सेल्वाटोर फर्स्ट व्हेन ही वाज ए बॉय ऑफ 15 विद अ प्लीजेंट फेस। मैं सेल्वाटोर को तब से जानता हूँ जब वो एक 15 साल का लड़का था, जिसका एक हंसता हुआ हंसमुख चेहरा था और केयर फ्री आइज थी। ही यूज्ड टू स्पेंड द मॉर्निंग लाइंग अबाउट द बीच विद नेक्स्ट टू नथिंग ऑन हिज ब्राउन बॉडी वॉज एज थिन एज रेल। और वो पूरी जो सुबह अपनी वो स्पेंड कर किया करता था लेटे हुए किसी बीच के पास, जहाँ पे नेक्स्ट टू नथिंग था, जहाँ पे लगभग कुछ नहीं के समान ही था, नेक्स्ट टू नथिंग था जहाँ पे कुछ नहीं था। और उसकी ब्राउन बॉडी, जब वो लेटा हुआ था तो उसका ब्राउन शरीर ऐसा लगता था कि कोई रेल की पटरी रख दी गई हो, थिन एज रेल, इतनी पतली लगती थी वो। ही वॉज फुल ऑफ ग्रेस, उसके पास ग्रेस ही ग्रेस थी, फुल ऑफ ग्रेस था वो। ही वॉज इन All the time swimming with the clumsy, effortless stroke common to the fisher boat. और वो हमेशा सी में या सी के बाहर, मतलब सी में ही उसका ज़्यादातर काम था, क्योंकि एक फिशरमैन था वो, और उसके ही अंदर रहा करता था स्विमिंग करता हुआ क्लम्सी एफर्टलेस स्ट्रोक के साथ, जो कि फिशर बोट करती हैं। स्कैम्बलिंग अप द जैक ड्रॉग्ड ऑन हिज हार्ड फीट फॉर एक्सेप्ट ऑन संडेज, नेवर वोर शूज, ही वुड थ्रो हिमसेल्फ इन टू द डीप वाटर विद अ स्क्रीम ऑफ डिलाइट। और वो रॉक्स पर चढ़ जाया करता था अपने पैरों में, हार्ड फीट से अपने पैरों से वो चढ़ जाया करता था रॉक्स पे, और संडे को छोड़ के वो कभी भी जूते नहीं पहना करता था। फॉर एक्सेप्ट ऑन संडेज ही नेवर वोर शूज, ही वुड थ्रो हिमसेल्फ टू द डीप वाटर। और वो अपने आप को फेंक देता था, वो छलांग लगा देता था गहरे पानी में, और विद स्क्रीम ऑफ डिलाइट, खुशी की चिल्लाहक के, खुशी से चिल्ला के वो खुद छलांग लगा लेता था गहरे पानी में। हिज फादर वाज अ फिशरमैन हु ओन्ड हिज ओन लिटिल विनयार्ड एंड सेल्वाटोर एक्टेड एज अ नर्सरी टू हिज टू यंग ब्रदर्स। उसके पिताजी एक फिशरमैन थे जो कि अपनी वाइनयार्ड का देखभाल करते थे। वाइनयार्ड कहते हैं एक बगीचा जिसमें मतलब फ्रूट्स होते हैं, तो उसे उसकी देखभाल करते थे, और सेल्वाटोर अपने दो छोटे भाइयों की देखभाल करता था। ही शाउटेड टू देम टू कम इनशोर व्हेन दे वेंचर्ड आउट टू फार एंड मेड देम ड्रेस व्हेन इट वाज टाइम टू क्लेम द हॉट व्हेन लेड हिल फॉर द फ्रुगल मिड डे मील। और वो अपने भाइयों पर चिल्लाता था अगर वो ज़्यादा दूर चले जाएँ या किसी दूसरे शोर पर चले जाएँ, और अगर वो ज़्यादा दूर चले जाते तो उन पर चिल्लाता था और उनसे कहता था वापस आओ, और उन्हें तैयार करता था। मेड देम ड्रेस व्हेन इट वाज टाइम टू क्लाइम, जब हॉट गर्म और नुकीली पहाड़ियों पर चढ़ने का समय हो जाता था मिड डे मील के लिए, तब वो उनको तैयार करता था, ड्रेस बनाता था उन्हें। बट बॉयज इन दोज सडन पार्ट ग्रो अपेस एंड इन लिटिल वाइल ही वॉज मेडली इन लव विद अ प्रिटी गर्ल हु लिव्ड ऑन द ग्रैंड मेरीना। लेकिन जो वहाँ के सदर्न पार्ट्स के उस जगह के जो बॉयज थे वो बहुत तेज़ी से बड़े हो गए, मतलब वो लोग बड़े हो गए, उसके भाई भी और वो भी, एंड और कुछ ही समय में वो एक प्रिटी गर्ल के साथ, एक अच्छी सुंदर लड़के के साथ
मैडली लव में पड़ चुका था जो कि ग्रैंड मरीना में रहती थी। सी हैड आइज लाइक फॉरेस्ट पूल्स, उस लड़की की आंखें जैसे फॉरेस्ट पूल्स की तरह थी। एंड हेल्ड हरसेल्फ लाइक ए डॉटर ऑफ सीजर्स, और वो खुद को मानती थी कि वो सीजर्स की डॉटर है, सीजर्स की बेटी मानती थी अपने आप को वो। देवर बट बॉयज इन दो सर्टन पार्ट्स ग्रो अप इज इन ए लिटिल सॉरी देवर अफाइंस्ड बट दे कुड नॉट मैरी टिल सेल्वेटोर हैड डन हिज मिलिट्री सर्विस। तो उन लोग की सगाई हो जाती है, अफाइंस्ड हो जाते हैं वो, लेकिन वो लोग शादी नहीं कर पाते हैं क्योंकि सेल्वेटोर को अपनी मिलिट्री सर्विस के लिए जाना पड़ता है। एंड वैन ही लेफ्ट द आइसलैंड विच ही हैड नेवर लेफ्ट इन हिज लाइफ बिफोर, और जब वो आइसलैंड छोड़ता है जिसे कभी नहीं छोड़ा था, टू बिकम ए सेलर इन द नेवी ऑफ किंग विक्टर इमैनुअल, और वो उस अपने आइसलैंड को छोड़ता है जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा था, किंग विक्टर इमैनुअल की सेना में सेलर बनने के लिए वो गया था, तो वो किसी बच्चे की तरह रोया। इट वॉज हार्ड फॉर वन हु हैड नेवर बीन लेस फ्री देन द वर्ड्स टू बी एट द बैक एंड कॉल ऑफ अदर्स, और ये उसके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था क्योंकि कभी भी फ्री नहीं हुआ था किसी वर्ड की तरह, दूसरों के कॉल पे दूसरों के ऊपर ही रहता था वो। इट वॉज हार्डर स्टिल टू लिव इन बैटलशिप विद स्ट्रेंजर्स इंस्टेड ऑफ इन अ लिटिल वाइट कॉटेज अमंग द वाइंस, और उससे भी कठिन था बैटलशिप में, युद्ध के मैदान में बैटलशिप में रहना स्ट्रेंजर्स के साथ इंस्टेड ऑफ लिटिल वाइट कॉटेज, और अपनी घर की जगह किसी अजनबियों के संग रहना, ये और भी कठिन था उसके लिए। एंड व्हेन ही वाज अशोर टू वॉक इन ए नॉइजी फ्रेंडलेस सिटीज विद स्ट्रीट्स सो क्राउडेड दैट ही वाज फ्राइटेड टू क्रॉस देम, व्हेन ही हैड बीन यूज्ड टू साइलेंट पार्ट्स एंड द माउंटेंस एंड टू क्रॉस एंड द सी, और जब वो अशोर हो जाता था, जब वो नदी वो शोर किनारे पर आ जाता था, तो उसे ये सोच के डर लगता था कि वो कैसे वहाँ रहेगा, वो डर जाता था ये नॉइजी फ्रेंडलेस सिटीज़ को देख के जिसकी इतनी क्राउडेड थी जिससे देख के वो डर जाता था, जबकि वो साइलेंट पाथ पे चला करता था माउंटेन्स पे और नदी किनारे वो इतना अच्छा फील करता था। आई सपोज इट हैड नेवर स्ट्रक हिम दैट इस्टिया विच ही लुक्ड एट एवरी इवनिंग इट वाज लाइक ए फेरी आइलैंड इन द सनसेट टू सी व्हाट द वेदर वुड बी लाइक द नेक्स्ट डे, और मैं सपोज करता हूँ राइटर कह रहा है इट हैड नेवर स्ट्रक हिम दैट, और उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस्टिया एक आइसलैंड की बात है, एक इस्टिया आइसलैंड है एक जो कि वो देखा करता था हर इवनिंग को, जैसे कि ये एक फेरी आइसलैंड हो ऐसे देखा करता था, और वो ये इसलिए देखता था जिससे उसे पता चल सके कि अगले दिन का वेदर कैसा होने वाला है, और वेसुवियस फियरली इन द डाउन, या फिर वेसुवियस जिसे जो कि मोती की तरह लगता था, पियरली इन द डाउन जो मोती की तरह लगता था रात के समय, हैड नथिंग टू डू विद हिम एट ऑल, बट व्हेन ही सीज्ड टू हैव देम बिफोर हिज आइज ही रियलाइज्ड इन सम डिम फैशन दैट दे वर एज मच पार्ट ऑफ हिम एज हिज हैंड्स एंड हिज फीट, और जब वो वहाँ गया किंग विक्टर इमैनुअल की नेवी में गया, तो जब वो उन्हें उन चीज़ों को नहीं पा सका, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये सब चीज़ें उसके शरीर का ऐसा ही पार्ट है जैसे उसके हाथ और पैर हैं। ही वॉज डेडफुली होमसिक, और वो होमसिक हो गया, उसे घर की याद सताने लगी। बट इट वॉज हार्डेस्ट ऑफ ऑल टू बी पार्टेड फ्रॉम द गर्ल ही लव्ड विद ऑल हिज पर्सनैलिटी एंड हार्ट, और इन सबको हटा दें तो सबसे कठिन था अपने उस गर्ल उस लड़की के संग उस लड़की से जुदा हो जाना जिसे वो बहुत प्यार करते थे। He wrote to her in his childlike handwriting long letters in which he told her how constantly he thought of her and how much he longed to be back. और वो अपनी गर्लफ्रेंड को वो अपनी उस लड़की को चिट्ठियाँ लिखा करता था अपनी बच्चे की तरह हैंड राइटिंग में, उसकी हैंड राइटिंग बच्चे की तरह थी, काफ़ी बुरी अच्छी ज़्यादा हैंड राइटिंग नहीं थी, और एक इस पर लेटर्स में लिखा करता था किसी बच्चे की तरह बड़े बड़े लेटर्स में, इन विच जिसमें उसने बताया कि कैसे वो हमेशा उसके बारे में ही सोचा करता है और कैसे वो सोचता है कि वो कब वापस आएगा। ही वॉज एंड हेयर एंड दे आर टू स्पेरिया टू वेनिस टू वैन एंड फाइनली टू चाइना, वो यहाँ से वहाँ भेजा जाता रहा, कभी चाइना कभी स्पेरिया वेनिस, एक जगह से दूसरी जगह से भेजा जाता रहा। हेयर ही फेल इल ऑफ सम स्ट्रेंज एलिमेंट, यहाँ वो कुछ मिस्टीरियस एलिमेंट की वजह से इल हो गया, वो उसे बीमार पड़ गया, उसे कुछ दर्द की वजह से, दैट कैप्ट हिम इन हॉस्पिटल फॉर मंथ्स, जिसकी वजह से उसे कई महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ही वोर इट विद द म्यूट एंड अनकम्प्रिहेंडिंग पेशेंस ऑफ ए डॉग, और उसने अपने दर्द को ऐसे सहा जैसे कोई कुत्ता हो, जैसे कोई डॉग इम्पेशेंटली सहता है बिना बताए हुए, जिस कम्प्रिहेंड नहीं कर सकता बिना बताए हुए। व्हेन ही लर्न दैट इट वॉज ए फॉर्म ऑफ रियोमेटिज दैट मेड हिम अनफिट फॉर फर्दर सर्विस इज हर्ट एग्जर्टेड, और जब उसे पता चला कि ये टाइप का रियोमेटिज में होता है एक जॉइंट पेन टाइप का,
जब उसे यह पता चला तो वो काफ़ी खुश हो गया, उसका दिल झूम उठा। फॉर ही कुड गो होम, क्योंकि अब वो घर जा सकता था और वो आगे की सर्विस के लिए फिट नहीं था, अनफिट था, उसे डिस्क्वालीफाइड हो गया था आगे की सर्विस के लिए। एंड ही डिड नॉट बदर, इन फैक्ट ही स्कार्सली लिसेंड व्हेन द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट ही वुड नेवर अगेन बी क्वाइट वेल। और उसने और किसी चीज़ की परवाह नहीं करी, और यहाँ तक कि उसने ये भी ध्यान से नहीं सुना जब डॉक्टर ने उसे कहा कि वो अब आगे कभी ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। वॉट डिड ही केयर वैन ही वॉज गोइंग बैक टू द लिटिल आइसलैंड ही लव्ड सो वेल एंड द गर्ल हु वॉज वेटिंग फॉर हिम, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था उसके लिए क्या अच्छा, इससे अच्छा क्या हो सकता था कि वो अपने छोटे से आइसलैंड में वापस जा रहा था और उस गर्ल के पास वापस जा रहा था जो उसका इंतजार कर रही थी। वैन ही गॉट इन टू द रोइंग बोट दैट मेट द स्टीमर्स फ्रॉम नेपल्स एंड वॉज रोड अशोर्ड ही सॉ हिज फादर एंड मदर स्टैंडिंग ऑन द जेटी एंड हिज टू ब्रदर्स बिग बॉयज नाउ। जब वो बैठा रोइंग बोट में जो कि नेपल से रो करके लाई गई, और जब वो किनारे पर आया, जब वो उतर के आया तो उसने देखा कि उसके मदर फादर, उसके पेरेंट्स खड़े हैं एक रॉक पे, और उसके दोनों भाई भी खड़े हैं जो कि अब बड़े हो चुके थे, बिग बॉयज नाउ। एंड ही वेव टू देम, और वो उनकी तरफ चला गया। हिज आई सर्च्ड अमंग द क्राउड दैट वेटेड देयर फॉर द गर्ल, लेकिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए देखा कि वो कहाँ पे है, उसने उस लड़की को देखा लेकिन वो ही कुड नॉट सी हर, लेकिन उसे वो दिखाई नहीं दी। देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ किसिंग व्हेन ही जंप्ड अप द स्टेप्स एंड द ऑल इमोशनल दे ऑल इमोशनल क्रिएचर्स क्राइड अ लिटिल व्हेन दे एक्सचेंज देयर ग्रीटिंग्स। और जब वो नीचे आया तो बहुत डील ऑफ किसिंग हुई, बहुत सारी किसिंग्स पास हुई और सब इमोशनल हो गए जब वो लोग उससे मिले। ही आस्क्ड वेयर द गर्ल वाज, उसने पूछा कि उस लड़की के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। हिज मदर टोल्ड हिम दैट शी डिड नॉट नो, दे हैड नॉट सीन हर फॉर 2 or 3 weeks। उसकी माँ बताती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है, और वो भी ये बताती है कि उन लोगों ने उसे 2 या 3 हफ्तों से नहीं देखा है। सो इन द इवनिंग व्हेन द मून वाज शाइनिंग ओवर द प्लेसिड सी एंड द लाइट्स ऑफ नेपल्स ट्विंकल्ड इन द डिस्टेंस ही वॉक डाउन टू द ग्रैंड मरीना टू हर हाउस। इसलिए जब इवनिंग में मून शाइन करता था प्लेसिड सी के ऊपर और नेपल्स की लाइट्स ऐसे टिमटिमा रही थी, तो वो उस लड़की के घर गया ग्रैंड मरीना में। सी वॉज सिटिंग ऑन द डोर स्टेप विद हर मदर, ही वॉज लिटिल शाय बिकॉज ही हैड नॉट सीन हर फॉर सो लॉन्ग। वो अपनी माँ के संग बैठी हुई थी अपने घर के दरवाजे की दहलीज पे, डोर स्टेप पे बैठी हुई थी वो, और वो शर्मा रही थी क्योंकि उसने बहुत दिन से उसे बहुत समय से उसे देखा नहीं था। ही आस्क्ड हर इफ सी हैड नॉट रिसीव्ड द लेटर दैट ही हैड रिटन टू हर टू से दैट ही वॉज कमिंग होम। और सर्वेटोर उससे पूछता है क्या तुमने वो लेटर्स नहीं पाए जो उसने लिखा था कि मैं वापस आ रहा हूँ घर। यस दे हैड रिसीव अ लेटर एंड दे हैड बीन टोल्ड बाय अनदर ऑफ द आइसलैंड बॉयज दैट ही वाज इन। हाँ, उन्होंने लेटर पाया था और उन्हें किसी उन लोगों को किसी आइसलैंड के दूसरे बच्चे ने यह भी बता दिया था कि वो सेल्वेटोर बीमार है। यस दैट वाज व्हाई ही वाज बैक, वाज इट नॉट अ पीस ऑफ लक, ओ बट दे हैड हर्ड दैट ही वुड नेवर बी क्वाइट वेल अगेन। यह सुनकर उन्हें कुछ सोचाना चाहिए था क्योंकि यह एक भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें यह भी पता चल गया था कि वो दोबारा कभी अच्छा ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। द डॉक्टर टॉक्ड ए लॉट ऑफ नॉनसेंस बट ही न्यू वेरी वेल दैट नाउ ही वॉज होम अगेन ही वुड रिकवर। डॉक्टर ने बहुत ही बकवास बात कही लेकिन वो जानता था कि वो घर लौट गया है और वो जल्द ही रिकवर होगा। नाउ ही वॉज अगेन ही वुड रिकवर। देयर वर साइलेंट फॉर अ लिटिल एंड देन द मदर नज द गर्ल, थोड़े समय के लिए वहाँ पर साइलेंस रहा लेकिन थोड़ी देर बाद उस लड़की की माँ ने उसको वो नहीं मारी। शी डिड नॉट ट्राई टू सॉफ्टन द ब्लो, शी टोल्ड हिम स्ट्रेट आउट विद द ब्लंट डार्कनेस ऑफ हर रेस। तो उस लड़की ने सेल्वेटोर को बताया कि दैट शी कुड नॉट मैरी अ मैन हु वुड नॉट एवर बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू वर्क लाइक ए मैन, कि वो उस आदमी से शादी नहीं कर सकती जो कि कभी भी दोबारा से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा जो कि एक आदमी की तरह वर्क कर सकें। दे हैड मेड अप देयर माइंड हर मदर एंड फादर एंड सी एंड हर फादर वुड नेवर गिव कंसेंट, और उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया था और उसके पिता कभी परमिशन नहीं देने वाले थे। When Salvatore went home, he found that they all knew the girl's father had been to tell them what they had decided, but they had lacked the courage to tell him themselves. जब Salvatore वापस घर गया तो उसे लगा कि सब जानते थे, उस गर्ल के पिता भी वहाँ पे थे उसे बताने के लिए जो कि उन्होंने डिसाइड करा था, लेकिन वो उसे बता नहीं सके क्योंकि उनमें इतना करेज नहीं था, उनमें इतना साहस नहीं था। He wept on his mother's bosom. He was terribly unhappy, but he did not blame the girl. और वो अपनी माँ से चिपक के बहुत रोया और वो काफ़ी अनहैप्पी था, बहुत ही निराश हो गया वो, और लेकिन इसके लिए उसने लड़की को प्लेन नहीं करा। इफ इट्स माय लाइफ इज हार्ड एंड इट नीड्स स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, न्यू वेरी वेल दैट ए गर्ल कुड नॉट अफोर्ड टू मैरी ए मैन हु माइट नॉट बी एबल टू सपोर्ट हर।
एक फिशरमैन की लाइफ काफ़ी हार्ड होती है और इसे स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस चाहिए होती है। उसे पता था कि कोई भी लड़की नहीं चाहेगी उस आदमी से शादी करना जो कि सपोर्ट नहीं कर सकता उस लड़की को। हिज स्माइल वॉज वेरी सैड एंड हिज आइज हैड द लुक ऑफ ए डॉग दैट हैज बीन बीटन बट ही डिड नॉट कंप्लेन एंड ही नेवर सैड ए हार्ड वर्ड ऑफ द गर्ल ही हैड लव सो वेल। और उसकी स्माइल में बहुत सैडनेस थी और उसकी आइज किसी डॉग की तरह थी जिसे मारा गया हो, बट उसने कभी कंप्लेंट नहीं करी और उसने कभी भी बुरे सर नहीं कहा उस लड़के के बारे में। देन ए फ्यू मंथ्स लेटर व्हेन ही हैड सेटल्ड डाउन टू द कॉमन ग्राउंड वर्किंग इन हिज फादर्स विनयार्ड्स एंड फिशिंग हिज मदर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ यंग वुमन इन द विलेज हु वाज विलिंग टू मैरी हिम। और कुछ महीनों बाद जब वो ठीक हो गया अपने काम पर लौट आया अपने फादर की विनयार्ड और फिशिंग का देखभाल करने लगा तो उसकी माँ ने उसे बताया कि एक वुमन है जो उसे शादी करना चाहती है एक गाँव में। उस गाँव में एक वुमन है हर नेम वाज असुंता, उसका नाम असुंता है। सी इज एज अगली एज द डेविल ही सेड। तो सर बटूट कहता है वो किसी डेविल की तरह अगली है, उसकी शक्ल अच्छी नहीं है। सी वाज ओल्डर देन ही 24 और 25, वो उस सर बटूट से ओल्डर थी, बड़ी थी वो 24 या 25 की थी। एंड सी हैड बीन एंगेज्ड टू अ मैन हु व्हाइल डूइंग हिज मिलिट्री सर्विस हैड बीन किल्ड इन अफ्रीका। और उसने एंगेज वो उसकी सगाई हो चुकी थी एक आदमी के साथ जो कि मिलिट्री सर्विस करते समय अफ्रीका में मार दिया गया था। सी हैड ए लिटिल मनी ऑफ हर ओन एंड इफ सेल्फ अटोर मैरिड हर सी कुड बाय हिम अ बोट ऑफ हिज ओन एंड दे कुड टेक वन ईयर डेड बाय हैप्पी चांस हैपेंड एट द मोमेंट टू बी विदाउट ट्रीटमेंट। उस लड़के के पास अपना खुद का पैसा था और अगर सेल्वाटोर उसे शादी करता तो वो उसके लिए एक बोट खरीद सकती थी अपने खुद के पैसों से और एक वन ईयर भी ले सकती थी जिसे वो हैप्पीली चलाते। हिज मदर टोल्ड हिम दैट असुंता हैड सीन हिम एट द फेस्टा एंड हैड फॉलन इन लव विद हिम। उसकी माँ बताती है कि असुंता ने सेल्वाटोर को फेस्टा में देखा था, मतलब फेस्टिवल में देखा था और उसके प्यार में पड़ गई थी, हैड फॉलन इन लव विद हिम। सेल्वाटोर स्माइल्ड हिज स्वीट स्माइल एंड सेड ही वुड थिंक अबाउट इट। तो सेल्वाटोर हंसता है और कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। ऑन द फॉलोइंग संडे ड्रेस्ड इन द स्टिफ ब्लैक क्लोथ्स इन विच ही लुक्ड सो मच लेस वेल देन इन द रैग शर्ट एंड ट्राउजर्स ऑफ एवरी डे। तो अगले ही संडे अपने ब्लैक क्लोथ्स में जब वो कपड़े पहन के आया तो वो उससे कम अच्छा लग रहा था जितना वो अपने फटे हुए शर्ट और ट्राउजर्स के रोज के ट्राउजर्स में लगता था। ही वेंट अप टू हाई मास एट द पैरिश चर्च एंड प्लेस्ड हिमसेल्फ सो दैट ही कुड हैव अ गुड लुक एट द यंग वुमन। और वो ऊपर चला गया चर्च में और अच्छी जगह पे चला गया जहाँ से वो आसानी से देख सके यंग वुमन के, उस पर एक अच्छा लुक पड़ सके। वैन ही केम डाउन अगेन ही टोल्ड हिज मदर डैट ही वॉज बिलिंग। और जब वो नीचे उतर के आया बाद में वो घर आया तो उसने अपनी माँ को कहा कि वो बिलिंग था, वो तैयार था शादी करने के लिए। वेल दे वर मैरिड एंड दे सेटल डाउन इन अ टीनी व्हाइट वॉश हाउस इन द मिडल ऑफ हैंडसम विनयार्ड। और उनकी शादी हो गई और वो सेटल डाउन हो गए थे एक छोटे से व्हाइट वॉश्ड हाउस में मिडल ऑफ द हैंडसम विनयार्ड। विनयार्ड के मिडल में बीचों बीच में एक घर था उसमें वो सेटल हो गए। सेल्वाटोर वॉज नाउ ए ग्रेट बिग हस्की फेलो। और सेल्वाटोर अब एक बड़ा और काफ़ी तगड़ा आदमी हो गया था, टॉल एंड ब्रॉड बट स्टिल विद द इंजीनियस स्माइल एंड दोज ट्रस्टिंग काइंडली आइज दैट ही हैड एज ए बॉय। लेकिन अभी भी सेल्वाटोर की स्माइल काफ़ी अच्छी थी और उस प्यारी प्यारी आंखें थी जैसे उसको एक बॉय की तरह थी जब वो छोटा था। ही हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल मैनर्स आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। और राइटर कहता है उसकी मैनर सबसे अच्छी थी, मोस्ट ब्यूटीफुल मैनर्स आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। असुंता वॉज ए ग्रिम विसेज फीमेल विद डिसाइडेड फीचर्स एंड सी लुक्ड ओल्ड फॉर हर इयर्स। और असुंता थी एक अच्छी ग्रिम विसेज वुमेन थी वो उसकी, और उसने उसके अंदर कुछ ही गुड़ थे एंड सी लुक्ड ओल्ड फॉर हर इयर्स बट सी हैड गुड हार्ट एंड सी वॉज नो फूल। लेकिन उसके पास एक अच्छा दिल था, वो दिल से उसे चाहती थी और वो बेवकूफ़ नहीं थी। सी वॉज नो फूल। I used to be assumed by the little smile of devotion that she gave her husband when he was being very muscular and masterful. और मैं उसकी स्माइल डिवोशन के स्माइल से मैं बहुत ही अम्यूज्ड हो जाता था जब वो अपने हस्बैंड को देती थी लाइक मस्कुलर एंड मास्टरफुल। जब वो अपने हस्बैंड को एक मस्कुलर एंड मास्टरफुल स्माइल देती थी तो मैं उससे काफ़ी अम्यूज्ड रोमांचित होता था। सी नेवर सीज टू बी टच्ड बाय हिज जेंटल स्वीटनेस। और उसने कभी भी उसकी जेंटल स्वीटनेस से टच में ही रही, वो कभी उसे सीज नहीं करा, उसने कभी ख़त्म नहीं करा, वो उसके संग ही रही। बट सी कुड नॉट बी आर द गर्ल हु हैड थ्रोन हिम ओवर एंड नॉट विदस्टैंडिंग सेल्वाटोर स्माइलिंग हर हस बट सी कुड नॉट बी आर द गर्ल हु हैड थ्रोन हिम ओवर एंड नॉट विदस्टैंडिंग सेल्वाटोर स्माइलिंग। और लेकिन वो ये नहीं सह सकती थी उस लड़की के बारे में, नहीं सह सकती थी जिसने सेल्वाटोर की स्माइल को छीन लिया था एंड नॉट विदस्टैंडिंग सेल्वाटोर स्माइलिंग एक्सप्लोजेशन सी हैड नथिंग बट हर्ट वर्ड्स फॉर हर्ट। और उसकी स्माइल को देख सेल्वाटोर की स्माइल जिसने चिल्ली थी उसके लिए
अश्वंता के पास कुछ नहीं था एक्सेप्ट हार्ट्स वर्ड्स, प्रेजेंटली चिल्ड्रन वांट वॉर टू देम, और अब उनके बच्चे भी हो गए थे, इट वॉज हार्ड इनफ लाइफ, और लाइफ बहुत ही हार्ड हो गई थी। ऑल दो द फिशिंग सीजन टुवर्ड्स इवनिंग ही सेट आउट इन हिज बोट विद वन ऑफ हिज ब्रदर फॉर फिशिंग ग्राउंड्स, और पूरे फिशिंग सीजन्स में रात में वो अपने भाई के संग फिशिंग ग्राउंड्स में रहता था। इट वॉज ए लॉन्ग पुल ऑफ 6 or 7 miles, और ये लगभग 6 से 7 miles की दूरी थी उसके घर से। एंड ही स्पेंड द नाइट कैचिंग द प्रॉफिटेबल कैटल फिश, और वो पूरी रात बिता दिया करता था प्रॉफिटेबल काफ़ी अच्छी कैटल फिश के लिए, कैटल फिश को पकड़ने के लिए वो पूरी रात बिता देता था। देन देयर वॉज द लॉन्ग रोक बैक अगेन इन ऑर्डर टू सेल द कैच इन द टाइम फॉर इट टू गो ऑन द अर्ली बोट टू नेपल्स, और दोबारा से उसे जाना होता था उसे उन मछली कैटल फिश को बेचने के लिए जिससे कि उसे अच्छी कीमत मिल सके और जल्दी से वो सुबह फिर से नेपल्स में जा सके। एट अदर टाइम्स ही वॉज वर्किंग इन हिज बैनयार्ड फ्रॉम डाउन टिल द हीट ड्रोव हिम टू रेस्ट एंड देन अगेन, और दूसरे समय डाउन के समय सुबह बिल्कुल सुबह ही वो काम पर लग जाता था अपने बैनयार्ड में, और तब तक करता रखता था जब तक हीट ड्रोव हिम टू रेस्ट, जब तक उसे गर्मी से उसे आराम करने के लिए मन नहीं करता था। और देन अगेन वैन ही इट वॉज ए ट्रिपल कूलर टिल डस्क, और दोबारा से जब थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता था, थोड़ी थोड़ी धूप चली जाती थी, तो वो डस्क तक शाम तक काम करता था। ऑफन हिज रूमेटिज्म प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एट ऑल एंड देन ही वुड लाई अबाउट द बीच, और कभी कभी कई बार उसकी रूमेटिज्म में जो उसका पेन था उसे प्रिवेंट करता था कुछ करने से भी, तो उस समय वो कुछ नहीं करता था और बस बीच के किनारे लेट जाया करता था, सिगरेट को स्मोक करता था, विद अ प्लीजेंट वर्ड फॉर एवरीवन नॉट बी स्टैंडिंग द पेन दैट रैक्ड हिज लिम्ब, और वो सबके बारे में अच्छी बात सोचता था, और वो अपने पेन के लिए भी जरा भी सब अपने दर्द के ध्यान नहीं रखता था। द फॉरेनर्स हु केम हिम डाउन टू द वेथ एंड सॉ हिम देयर हेड दैट दीज इटालियन फिशरमैन वर लेजी डेविल्स, और जो फॉरेनर्स आते थे नहाने के लिए वहाँ पे सी में, तो वो कहते थे और उसे देखते थे और कहते थे कि ये इटालियन फिशरमैन बहुत लेजी हैं। Something he used to bring his children down to give them birth. और कभी कभी वो अपने बच्चों को लेके आता था नहलाने के लिए। They were both boys at this time. The elder was 3 and the younger less than 2. और दोनों लड़के थे, जो सबसे बड़ा वाला 3 साल का और जो छोटा था वो 2 साल से कम का था। They sprawled about at the water's edge, stark naked, and Salvatore standing on a rock would dip them in the water. और वो वाटर के किनारे ही स्प्रॉल करते रहते, उस पर रेंगते रहते थे, और सल्वाटोर एक रॉक पे खड़ा होकर उन्हें डुबाता था पानी में, उन्हें पानी के अंदर डालता था। द एल्डर वन बोर्ड इट विद स्टोइसिज्म बट द बेबी स्क्रीम्ड लस्टली, तो पहला तो बड़ा वाला तो उसे सह लेता था, आराम से नहा लेता था, लेकिन जो बेबी था छोटा 1.5 साल का वो चिल्लाता था, रोता था जब उसे नहलाया जाता था। सल्वाटोर हैड इनॉर्मस हैंड्स लाइक लेग्स ऑफ मटन कोर्स एंड हार्ड फ्रॉम कॉन्स्टेंट टॉयल, और सल्वाटोर के जो हाथ थे वो काफ़ी कड़े हो गए थे, कड़े हाथ थे उसके, क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत करी थी, लगातार मेहनत से उसके हाथ ऐसे हो गए थे। बट वैन ही वॉच टू हिज चिल्ड्रन होल्डिंग दैम सो टेंडरली ड्राइंग दैम टू विद डेलीकेट केयर अपॉन माई वर्ल्ड देवर लाइक फ्लावर्स, और लेकिन जब वो उन्हें यूज़ करता था, अपने हाथ को यूज़ करता था अपने बच्चों को नहलाने के लिए, उन्हें आराम से हैंडल करने के लिए और उन्हें सुखाने के लिए, उन्हें पोंछने के लिए, तो ऐसा लगता था कि वो जैसे कि फ्लावर्स के फ्लावर्स हों, हाथ नहीं वो फ्लावर्स। ही वुड सीट द नेक्स्ट बेबी ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड होल्ड हिम अप, और वो छोटे वाले बच्चे को अपने पाम में बैठाता था और उसे पकड़ता था, होल्ड करता था, लाफिंग अ लिटिल एट हिज स्मॉलनेस, और थोड़ा हंसता था उसकी स्मॉलनेस पे, एंड हिज लव वाज लाइक द लाफ्टर ऑफ एन एंजल, और उसकी हंसी एक एंजल की हंसी की तरह थी। हिज आइज देन वर एज कैंडल एज हिज चाइल्ड्स, और उसकी आंखें ऐसे थी जैसे कोई बच्चे की। आई स्टार्टेड बाय सेइंग दैट आई वंडर्ड इफ आई कुड डू इट एंड नाउ आई मस्ट टेल यू व्हाट इज इट आई हैव ट्राइड टू डू, तो ऑथर कह रहा है यहाँ पे कि मैंने पहली लाइन करी थी, मैंने शुरू करा था कि ये कहते हुए आई वंडर्ड इफ आई कुड डू इट, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ट्राई करने की क्या कोशिश करता था। आई वॉन्टेड टू सी वेदर आई कुड होल्ड योर अटेंशन फॉर अ फ्यू पेजेस व्हाइल आई ड्रू फॉर यू द पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, तो मैं ये देखना चाहता था कि क्या मैं आपका अटेंशन कुछ पेजों के लिए खींच सकता हूँ, जब वहीं दूसरी तरफ मैं एक आदमी का पोर्ट्रेट बना रहा था। जस्ट एन ऑर्डिनरी फिशरमैन हु पजेस नथिंग इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट क्वालिटी विच इज़ द टेरेस्ट, उस आदमी का पोर्ट्रेट बना रहा था जो खाली एक ऑर्डिनरी फिशरमैन था जिसमें कोई क्वालिटी नहीं थी एक्सेप्ट वो क्वालिटी जो कि रेयरेस्ट है पूरी दुनिया में, द मोस्ट पीसियस एंड द लवलीस्ट दैट एनी वन कैन हैव, और ये सबसे पीसियस है और सबसे लवली क्वालिटी है जो कि किसी को हो सकती है। हेवन ओनली नोज वाई ही शुड सो स्ट्रेंजली एंड एक्सेप्टली हैव पजेस्ड इट, और खाली भगवान ही जानते हैं कि उसने खाली सल्वाटोर में ही ये क्वालिटी क्यों थी। ऑल आई नो इज दैट इट्स वन इन हिम विद द रेडियंस दैट इफ इट हैड नॉट बीन अनकॉन्शियस एंड सो हम्बल वुड हैव बीन टू कॉमन एनफ मैन हार्डली बी एबल,
जितना भी मुझे पता है जितना है कि वो क्वालिटी उसमें चमकती थी रेडियंस की तरह, और अगर ये उसमें नहीं होती तो ये आउट ऑफ मैन होती, ये किसी आदमी को पता भी नहीं चलती अगर वो क्वालिटी उसमें नहीं होती। एंड इन केस यू हैव नॉट गेस्ड व्हाट द क्वालिटी वाज, और अगर आपने अभी भी गैस नहीं कर पाए कि वो क्वालिटी कौन सी थी, आई विल टेल यू गुडनेस, जस्ट गुडनेस। तो मैं आपको बताता हूँ, ये था खाली गुडनेस, उसमें गुडनेस की क्वालिटी थी और कोई क्वालिटी नहीं थी, और यही क्वालिटी दुनिया में सबसे बेस्ट है। तो उम्मीद है आपको स्टोरी समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बने रहिए आईएससी हीरोज़ के साथ। थैंक यू।